भोपाल में आम आदमी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शिफा हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। हॉस्पिटल का उद्देश्य आम जन को सस्ता इलाज उपलब्ध कराना है। आम आदमी को सही इलाज मिले, इसके लिए भोपाल में शिफा हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। शिफा हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर आए वक्फ बोर्ड के CEO जमील खान ने किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि शहर के जाने माने सीनियर एडवोकेट साजिद अली थे। शिफा हॉस्पिटल का उद्देश्य हर इंसान को वक्त रहते अच्छा इलाज उपलब्ध कराना है। हॉस्पिटल का मकसद व्यवसाय करना नहीं बल्कि मरीज की खिदमत करना है। मरीजों को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार के टेस्टों से लेकर दवाइयों तक के बहुत ही वाजिब दाम रखे गए हैं। शिफा हॉस्पिटल में हर वर्ग के मरीज अपना इलाज करवा सकेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं। शिफा हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सैयद मोहम्मद आसिम हैं। यहाँ पे अभी जो हमने सर्विस स्टार्ट करी हैं वो तो फैजान भाई ने बताया कि मेनली ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी स्टार्ट किया है, डेंटल स्टार्ट किया है और थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह का OPD है। बट आगे चल के इसको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तौर पे डेवलप करने का प्लान है और यहाँ पे मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के ऑपरेशंस और ट्रॉमा मैनेजमेंट और ICU केयर, इंटेंसिव केयर, उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो इन सब को कोऑर्डिनेट करना और अच्छे से ये अपनी सर्विसेज अंजाम दे सकें, इसकी निगरानी करना ये एक अहम काम है जिसको हम आगे लेकर के चल रहे हैं इंशाल्लाह। ये वक्फ बोर्ड का जो हॉस्पिटल है, पहले भी है, इसमें हॉस्पिटल ही था। एक्चुअली हमारी प्रॉपर्टी ये वक्फ बोर्ड की है, पर हॉस्पिटल भी पहले किसी और का था और आज भी किसी और का है। ये हॉस्पिटल आज नहीं बनाया गया, पहले से बना हुआ है। इसे नए तरीके से चालू किया गया है जो कि आपको यहाँ के डायरेक्टर ने आपको बता भी दिया है। मैं यही चाहता हूँ कि वक्फ की संपत्तियों का जैसा आज आपको इस्तेमाल दिख रहा है ऐसे ही इस्तेमाल हो तो ये कौम के और इंसानियत के लिए काम आएगी। इस इलाके में के आसपास जो है हर मजहब का आदमी जो है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, सिंधी, सभी कम्युनिटी के लोग इस आसपास यहाँ रहते हैं, जिनके लिए ये हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक है और बहुत उनकी काम आएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।